नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। आज का किस्सा मित्रों महसाणा के बोरियाई गांव का है। महसाणा सिटी से करीब 10-15 किलोमीटर है, जाना पहचाने एरिया है, वैसे तो थोड़ा दूर है, लेकिन आज के किस्से में खास बात यह है कि आपने अभी भी देखा कि हमने पेड़ के तने में पानी भर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में सांप वहीं पर देखा गया था। हमने पानी भी भरा, फिनाइल भी डाली और जैसे प्रयत्न हो सकते थे वैसे किए, लेकिन आप देख रहे हैं कि पन्ना जो है पेड़ का वो अंदर से खोखला है, तो उस तने में कहीं अंदर सांप ऊपर चढ़ गया होगा, ऐसा हमने अनुमान लगाया। कहे बहुत कोशिश करी और उस दिन के समय में मैं करीब 2 बार इसी घर में गया, लेकिन कहीं पे भी सांप देवता के दर्शन हो नहीं पाए। और उस दिन ऐसा लग रहा था कि आज का रेस्क्यू हम नहीं कर पाएंगे, 2 बार रेस्क्यू फेल हो चुका था। लेकिन रात को फिर उन्होंने देखा सांप को छत की तरफ चढ़ते हुए और तुरंत मुझे फ़ोन किया और मैं आ गया, और अब आसान काम हो गया था। दिन में हमारी जो मेहनत हुई, समझिए मित्रों, उसका फल हमें रात को मिला, क्योंकि आप देखें जैसे अंधेरा काफ़ी है, टॉर्च लेके लोग वहाँ तैयार खड़े हैं, और मेरा काम सांप को सिर्फ पकड़ना नहीं है, वो भी जानते हैं कि उसको पकड़ के उसको मेरे को प्रॉपर ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ पे वो शांति से रह सके। इसलिए मैं आगे गया, आगे जाके उन्होंने खुद ही टॉर्च लगा के मुझे दिखा दिया कि वहाँ पे सांप हमने देखा है। वहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सामान लकड़ी वगैरह पड़ा है और उसके पीछे सांप छुपा हुआ था, लेकिन वैसे देखें मित्रों तो उसको छुपा हुआ नहीं कह सकते, खाली रुका हुआ कह सकते हैं, क्योंकि उसको कहीं शायद रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो कहाँ जाए। और वहीं पे हमें फ़ायदा हो गया कि अगर वो निकलेगा तो कहीं भागेगा ना, जब वहीं पे है तो पकड़ना बड़ा आसान है। और आप देखिए लाइट की टॉर्च में अभी आपको भी वीडियो में सांप दिख जाएगा, और उसको पकड़ के अब बाद का काम ये रहता है उसको उस डिब्बे में डालना। डिब्बे में भी हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनको मैंने बोला तो था किस तरह का डिब्बा मुझे चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा था उनको। चलिए वो अपना काम कर रहे हैं, तब तक मैं सांप को बिल्कुल सामने देख के उसको कैप्चर तो कर ही लेता हूँ, और कैप्चर करके आगे का काम धीरे धीरे मैं शुरू करता हूँ। और मुझे जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ, सांप कैप्चर तो हो गया है, लेकिन बहुत गुस्से में ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसको भी शायद भागने की ही जल्दी है और वो नहीं चाहता है कि वो किसी तरह के पकड़ में आए। सामान्य बात है, ऐसा ही सांप करते हैं, और काफ़ी दिन पूरे दिन वो फंसा हुआ रहा कहीं ना कहीं, इसलिए शायद गुस्से में भी था, और मेरा काम था उसको बचाना। तो मित्रों वो फुंकार मार रहा है, आपने देखा उसने फुंकार भी मारी है, लेकिन उसकी फुंकार से तो अब डरना नहीं है हमें, हमें तो उसे बचाने का ही काम करना है। इसलिए सबसे पहले मैंने ऊपर आप देखें छत पे ही उसको पकड़ के रखा हुआ है ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए, और उनको बोला ही है कि आप लोग डिब्बा लेके आए, लेकिन शायद उनको कोई डिब्बा मिल नहीं रहा है और हमारा काम थोड़ा इस मामले में लेट होता जा रहा है। कोई नहीं, आएगा डिब्बा किसी न किसी तरह से, मैं उसको लेके तो जाऊंगा ही। तब तक मित्रों आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूँगा कि भारत में जो सबसे ज़्यादा विषैला नाग ही माना जाता है, उसके जो किंग कोबरा जिसे बोलते हैं, उसको इंडियन कोबरा भी बोलते हैं, वो बहुत ही विषैला नाग है। उसका काटा सच में पानी नहीं मांगता। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं भारत देश में नाग की, जो सांप की मित्रों इतनी पाई जाती हैं कि उसको आखिर लिस्ट बनाई जाए तो एक पेज भर जाएगा। उसमें से कुछ का मैं आपको नाम बोल देता हूँ, एक तो कोबरा ही है, उसके अलावा पाइथन, उस डाबिया, सौ स्केल वाइपर, पिट स्नेक, ग्रेट स्नेक, रेड स्नेक, बोआ स्नेक। बोआ को कभी कभी रेड सैंड बोआ भी कहा जाता है, और बोआ स्नेक की खासियत ये है कि वो आगे पीछे एक ही जैसा दिखता है, इसलिए कहीं कहीं उसको दो मुहा सांप भी बोला जाता है। उसके अलावा वाटर स्नेक, कैट स्नेक और ब्लैक माम्बा। ये ब्लैक माम्बा जो है वो भी नाग की तरह ही बहुत ही जहरीला है। चलिए ये तो एक नागों के बारे में बातचीत हुई, और नाग जो है उनको नाग करके एक नाजा उनको इंग्लिश में बोला जाता है, और ये एक पूरी जाति है, वो पूरी जाति विषैली है, उसमें ही ये किंग कोबरा पाया जाता है जो भारत में है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थोड़ा बहुत श्रीलंका में ये किंग कोबरा पाया जाता है, इसीलिए इसको
एशियन कोबरा भी बोलते हैं कुछ लोग, और इसको स्पेक्टेकल कोबरा भी कहा जाता है। उसके शरीर पे जो निशान बने हुए हैं इसलिए उसको स्पेक्टेकल कोबरा भी कहा जाता है। तो चलो मित्रों, अपनी बात आगे बढ़ाते हुए नाक को मैंने स्टिक के साथ साथ पूंछ से भी पकड़ लिया, और अब छत से नीचे उतरने की तैयारी करते हैं धीरे धीरे। कुछ लोग नीचे डर भी गए जैसे सांप को सामने से आते देखा, जबकि मेरी स्टिक में है, लेकिन फिर भी एक सामान्य भय तो एक आदमी में रहता ही है। धीरे धीरे मैं नीचे उतर रहा हूँ, और नीचे मेरे लिए मैंने बोला था वैसा डिब्बा तैयार अभी भी नहीं है। आप देखिए बहुत बड़े मुँह वाला डिब्बा है, और सांप भी कितना बड़ा है, करीब 5 फुट इतना तो सांप है मित्रों। इसलिए इस डिब्बे में इसको डालना बहुत कठिन काम है। मैंने उन्हें समझाया कि देखिए ये डिब्बा काम तो नहीं आएगा, आप किसी तरह ढूंढें और ऐसा डिब्बा लाएं जिसका मुंह छोटा हो। जनरली चॉकलेट टॉफी के जो डिब्बे आते हैं वही इस काम के उपयुक्त हैं, और सांप बड़ा है तो डिब्बा भी थोड़ा बड़ा लाइएगा, छोटे डिब्बे में काम नहीं बनेगी बात। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तब तक प्रयत्न करता हूँ कि शायद इसी डिब्बे से काम बन जाए। इसलिए उसके फन को मैं डिब्बे में अंदर डालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बावजूद मित्रों ये काम मुझे काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे आगे देखिए, जब तक बड़ा डिब्बा जैसा मुझे चाहिए वैसा ना आ जाए तब तक ये रेस्क्यू का काम पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए धीरे धीरे मैं कोशिश कर तो रहा हूँ लेकिन नहीं बात बन रही है। फाइनली मैंने उनको बोल भी दिया कि देखिए ये डिब्बा नहीं चलेगा, आप लोग जैसा मैंने बोला है, उसको गुजराती में बरणी भी बोलते हैं, जार है प्लास्टिक का, और जनरली ये जो पर प्लेट के जार टाइप के आते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, और मुझे वो ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसका फन मैं अंदर डालता हूँ तो उस सांप को दिखता नहीं है कि आगे क्या है, उसको आगे रास्ता ही दिखता है, वो सीधा अंदर ही घुस जाता है, और यही मेरे लिए उसको अंदर घुसाने और पकड़ने में आसानी रहती है। तो आज भी आप देखिए कि जब सांप को मैं अंदर, बड़े वाला डिब्बा है तो उसको सांप को अंदर जाने के बाद भी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो वापस लौट आता है, और ये काम मुश्किल पड़ जाता है उसको पकड़ना अंदर ले जाना। जबकि ट्रांसपेरेंट में उसको ऐसा लगता है कि वो आगे जाएगा, आगे रास्ता नहीं होता, वो रास्ता ढूंढता है, इतनी देर में सांप को मैं पूरा ही अंदर ले लेता हूँ। डिब्बा थोड़ा गोल गोल घुमाना पड़ता है और ढक्कन बिल्कुल साथ में रखना पड़ता है। ये आपने कई बार मेरे वीडियो में ध्यान किया होगा कि डिब्बे को मैं गोल घुमा रहा हूँ, धीरे धीरे सांप को अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि इतनी देर में सांप तो अभी ऊपर से ही रास्ता ढूंढ रहा होता है, ऐसा नहीं पता चलता उसे कि मुझे नीचे वापस जाना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, उसे सामने हम दिखते हैं, हमारा हाथ दिखता है, और कई बार वो उसको बाइट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन डिब्बे के कारण हमें कुछ हो नहीं पाता है, और यही किस्सा आज भी होने वाला है। अभी आप वीडियो में देखेंगे कि जब सांप गुस्से में तो था, कई बार फुंकार भी मार चुका था, इसलिए ये बात पक्की थी कि वो कोशिश करने वाला है कुछ ना कुछ। और जैसे ही जैसी मेरे को चाहिए वैसी बरणी, जिसको हमें बोलते हैं मर्तमान बोल सकते हैं, प्लास्टिक की डिबिया तो नहीं कह सकते, प्लास्टिक का डिब्बा ही बोलना पड़ेगा, प्लास्टिक डिब्बा जैसे ही मेरे पास आएगा मेरा काम आसान होने वाला है। तो वही पर डिब्बा आ चुका है, अभी आपको वीडियो में भी दिखाई देने वाला है। वह डिब्बा मेरे को दिखाया गया दूर से, मैंने कहा बिल्कुल सही है, यही डिब्बा है, आप लेके आइए। तो वह डिब्बा जैसे ही मेरे पास आएगा मेरे को भी थोड़ा आराम रहेगा कि अब मेरा काम आसान होने वाला है और काम पूरा भी होने वाला है। इतनी देर तक सांप को पकड़ के रखना, उसको संभाल के रखना ठीक नहीं है, उसको जितनी जल्दी हो सके उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दें तो अच्छा रहता है। तो अब आप कभी देख लीजिए मित्रों, इस वीडियो में आपको भी डिब्बा दिखाई दे चुका है, और अब मैं उसको उसके अंदर डाल रहा हूँ, ढक्कन अलग, डिब्बा अलग, और डिब्बा मैंने नीचे रखा उसको पूंछ से संभालते हुए, धीरे धीरे उसको अंदर फन में अंदर लेने वाला हूँ। और आप अभी देखने वाले हैं मित्रों, जैसे ही उसका फन अंदर गया वो बकायदा अटैक करेगा, अटैक जो इसीलिए करता है कि उसे ऐसा लगता है कि सामने मैं खड़ा हूँ। ट्रांसपेरेंट होने के कारण उसे ये नहीं पता चलता है कि मेरे बीच में डिब्बा है, और यही मेरे फायदा है कि मैं उतने देर में उसको पूरा बॉडी को अंदर ले लेता हूँ। तो मित्रों इस तरह के काम हम करते रहते हैं और सांपों को बचाते रहते हैं, और हमारे जो लोग हैं वहाँ पे जो उनके भय है सांप का, उससे भी उनको बचाया जा सकता है। तो मित्रों सांपों को बचाएं, इसी तरह हमारे जैसे मित्रों को बुलाएं, उनको बचाने में हमारा सहयोग करें मित्रों, और
सांप हमारे शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं, ये सबको बताएं और मेरे वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं। धन्यवाद।